कमाने वाली बहू की कहानी। माँ तू हमारे साथ मुंबई चल, बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेले कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू रूपाली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को पूरी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती है। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार कर तेरा जीना हराम कर देंगे। भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटने के दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया था, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बातें सोचने मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में रूपाली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब रूपाली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उसके साथ मुंबई आई। पवन और रूपाली यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे, उनकी याद नहीं आनी चाहिए इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहकर मेरे पीछे भागता था। मैं कोई सा भी चीज़ उसे मांगती वह मुझे तुरंत लाकर देता था। यह सब देखकर मेरे मन में को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी, लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि यह साड़ी सिर्फ बातें थी, हर उंगली की तरफ हर बहू सेम नहीं होती है। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया, हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते पवन और रूपाली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो नन, प्लीज़ माफ़ कर बेटा, मेरे पर्स में घर पे भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है इसलिए दादी बहाने बना रही है, पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते की आइसक्रीम भी नहीं लेकर दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। रूपाली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सोने गया, रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए रूपाली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम सब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मैं पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी, कंजूस दादी, रेहान क्या है
दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं कि क्या तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है? तू समझ नहीं सकता है दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गाँव साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़ कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तो तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा, फिर सोच कि दादी जी बिना तेरे दादा के कैसे रहती होगी, ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर पर भूल गई होगी, तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल के से आने में 5 से 10 मिनट की लेट हो जाता है, तब वह बालकोनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है, उनके घुटने के दर्द करते हैं, तब भी बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान स्कूल, रूपाली ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते हैं। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान को कोई चीज़ के लिए जीत की तो आप उसे यह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ जब यही पैसे पवन ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? रूपाली का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे, जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण ही कमाती हुई बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहू को दोष देते हैं। कुछ बहुएं रूपाली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।